रणदीप हुड्डा ने लिया हाईवे एक्ट्रेस आलिया भट्ट का पक्ष, कंगना रनौत के निशाना साधने पर कही ये बात। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर हाल ही में रिलीज हुई है। एक्टर ने इस फिल्म के साथ डायरेक्शन के क्षेत्र में पैर रखा है। स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर रणदीप हुड्डा लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने आलिया भट्ट पर कंगना रनौत के कमेंट पर अपनी राय दी। कंगना रनौत ने 2019 में आलिया भट्ट को एक आम अभिनेत्री बताया था। इस पर अब रणदीप हुड्डा ने आलिया भट्ट का पक्ष लिया और ये भी कहा कि उन्हें बिना वजह निशाना बनाया जाता है। रणदीप हुड्डा और आलिया भट्ट के साथ में फिल्म हाईवे में काम किया था। इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस को क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली थी। सिद्धार्थ कनंद के साथ बातचीत में अभिनेता ने आलिया भट्ट के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की और कहा कि साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया था, जिसे रणदीप ने स्पिरिचुअल बॉन्ड कहा। आलिया भट्ट के नए नए किरदारों को एक्सप्लोर करने की आदत की रणदीप हुड्डा ने तारीफ भी की। एक्टर ने कहा कि वो सच में आलिया भट्ट के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्ट्रेस को बिना वजह टारगेट किया जाता है। आलिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम करने वालों पर निशाना साधने को लेकर बात की। रणदीप हुड्डा का मानना है कि इंडस्ट्री ने सभी को मौका और फायदा दिया है। एक्टर ने कहा, अपने साथी कलाकारों, सहयोगियों या अपने लोगों पर इसलिए निशाना साधा क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें वो चीजें मिली जो आपको नहीं मिल पाई। गलत बात है, मुझे लगता है कि आपको इंडस्ट्री से बहुत कुछ मिला है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैंने ये किया।